द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड नियर ईच अदर। ओके, तो बच्चों कह रहे हैं हमसे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए और दो पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेस हमको ड्रा करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सर्फेस होता क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये क्या होता है बच्चों? तो बच्चों द सरफेस एट विच पोटेंशियल रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी चार्ज के या ग्रुप ऑफ चार्ज के चारों तरफ का वो सरफेस जहां पर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, ऐसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बच्चों एक डायपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा जरा देखते हैं। आपको पता है अगर एक कोई सिंगल चार्ज दिया होता, मान लीजिए प्लस चार्ज दिया होता, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज का हमेशा कैसा बनता है, सर्कुलर। ऐसे इसको सेंटर मान के कोई भी सर्किल बना दीजिए, सब क्या होंगे, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। बट यहां पे हमसे कहा गया कि डायपोल का बताइए। तो बच्चों देखो डायपोल आपको पता है ना, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जब बहुत कम डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो इस अरेंजमेंट को डायपोल कहते हैं। अब डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा जरा हम ध्यान देते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ऐसा है कि डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा बनता है इस तरह, मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा पास पास होती है और बाहर जाने पर दूर दूर हो जाती है, ऐसा कुछ। क्यों? सीधी सी बात है कि याद रखिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होते हैं, अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है वहां का इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा दूर दूर हो जाता है। इसलिए डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनता है, एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस क्यू माइनस क्यू अगर प्लेस्ड है पास पास तो इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसा बनेगा, जबकि एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज का सर्कुलर बनता है, उसको हटा देते हैं क्योंकि हमसे डायपोल का यहां पूछा गया, तो ये डायपोल का हो गया। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, ऐसा बन गया। फिर हमसे पूछा गया कि फाइंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे लिख देते हैं भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए क्या बनेगा बच्चों? जैसे मान लो एक ए प्लस क्यू चार्ज है और एक ए प्लस क्यू चार्ज है, तो आप समझिए इसके बीच में इलेक्ट्रिक लाइन क्या होगी, थोड़ा सा कम होगी, बीच में एक जगह जीरो भी मिलेगी और यहाँ कम होगी, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ेगी भाई, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से भी इधर जुड़ जाएगी, यहाँ पे क्या है इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, तो घट जाएगी। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होती है और किनारे पर ज्यादा होती है। मैंने अभी समझाया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहां पे इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो पास पास होते हैं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा दूर दूर होते हैं। बस यही ध्यान रख के बनाना होता है। देखो इसका मतलब बाहर की तरफ पास पास होंगे इक्विपोटेंशियल और बीच में क्या होंगे, दूर दूर होंगे, कुछ ऐसे बन जाएंगे। समझ गए? ठीक है, ऐसे बनेंगे कि किनारे पर पास पास और बीच में दूर दूर, और इसके चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू सेम चार्ज, मतलब टू सेम पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।